नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय कार्यशाला गणना और विज्ञान के विषय कार्यशाला विज्ञान की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग गति और बल पर आज मैं आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। तो आइए जानते हैं कि गति और बल क्या होते हैं। विरामावस्था। गति को समझने से पहले हमको विरामावस्था को समझना होगा। जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं करती है तो उस वस्तु को विरामावस्था में कहा जाता है। जैसे कि आप ये पुस्तक देख रहे हैं, टेबल पर रखी हुई है। इस पुस्तक की स्थिति में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, समय बीतता जा रहा है, ये पुस्तक इसी टेबल पर रखी हुई है। यानी कि हम क्या कहेंगे कि ये पुस्तक स्थिर है या विरामावस्था में है। गति, मान लीजिए मैं अभी घर पर बैठा हूं और थोड़ी देर बाद पैदल चलते चलते एक दुकान पर पहुंच गया, यानी कि मेरी स्थिति में परिवर्तन हुआ। मैं घर से दुकान पहुंच गया और जाहिर है इसमें कुछ समय भी लगा होगा, यानी कि समय के साथ मेरी स्थिति में परिवर्तन हुआ। इसी को गति कहा जाता है। और हम इसको ऐसे परिभाषित कर देते हैं कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति परिवर्तित करती है तो वस्तु को गति में कहा जाता है। इसके उदाहरण उड़ता हुआ पक्षी, चलती हुई कार, चलती हुई ट्रेन, ये सब लगातार अपनी स्थिति में समय के साथ परिवर्तन करती जा रही हैं, तो हम क्या कहेंगे कि ये सब गति में है। गति के प्रकार, पहली सरल रेखीय गति। जब कोई वस्तु सदैव एक सीधी रेखा में गति करती है तो उसकी गति सरल रेखीय गति कहलाती है। जैसे कि ये कार एक सीधी सड़क पर लगातार चलती चली जा रही है, तो हम क्या कहेंगे कि ये एक सरल रेखीय गति का उदाहरण है। वृत्तीय गति। जब कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। जैसे कि सूरज के चारों ओर पृथ्वी की गति, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। घूर्णन गति। जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसकी गति घूर्णन गति कहलाती है। जैसे कि ये लट्टू आप देख रहे हैं लगातार घूम रहा है, इसका एक एक्सिस या अक्ष होगा जिसके अराउंड ये लगातार घूर्णन कर रहा है, तो ये एक घूर्णन गति का उदाहरण है। पृथ्वी, आप लोगों को पता है कि सूरज के चारों ओर परिक्रमा करती है, लेकिन पृथ्वी की एक एक्सिस भी होती है जिसके अराउंड वो पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है या घूर्णन करती है, तो ये भी एक घूर्णन गति का उदाहरण है। दोलन गति। जब कोई वस्तु मध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है तो इस प्रकार की गति को दोलन गति कहते हैं। जैसे कि ये बच्चा झूला झूल रहा है, तो झूले की मान लीजिए ये कोई मस्त स्थिति है, तो झूला पहले आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा, फिर पीछे जाएगा, फिर आगे आएगा, तो इस प्रकार की गति को दोलन गति कहा जाता है। घड़ी की पेंडुलम मान लीजिए पहले इधर जाएगी, फिर इधर आएगी, फिर इधर जाएगी, फिर इधर आएगी, तो ये भी एक दोलन गति का उदाहरण है। आवर्ती गति। जब कोई पिंड निश्चित समय के अंतराल के पश्चात अपने गति पथ को फिर से दोहराने लगती है तो इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहते हैं। जैसे कि घड़ी की सुइयां, घड़ी की जो सुइयां होती है मान लीजिए मिनट की सुई है, तो वो 60 मिनट के पश्चात अपने गति पथ को फिर से दोहराने लगती है, तो इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहा जाता है। प्रक्षेप गति। जब किसी पिंड या वस्तु को कुछ प्रारंभिक वेग देकर फेंका जाता है और वह गुरुत्वीय बल के प्रभाव में परवलयाकार पथ पर गति करने लगता है तो इस प्रकार की गति को प्रक्षेप गति कहा जाता है। जैसे कि ये फुटबॉल को किसी प्लेयर ने मान लीजिए किक किया, तो लगने वाले बल के कारण ये बॉल पहले ऊपर जाएगी, फिर क्या होगा, इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगने लगेगा, तो ये बॉल धीरे 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 नीचे आने लगेगी, तो ये जो ट्रैजेक्टरी बनती है इसी को परवलयाकार पथ या पैराबोलिक पथ बोला जाता है और इस प्रकार की गति को प्रक्षेप गति कहते हैं। एक और उदाहरण मान लीजिए बास्केटबॉल ट्रैजेक्टरी, तो बास्केटबॉल को बास्केट में डालने के लिए किसी प्लेयर ने बॉल को फेंका तो बॉल पहले ऊपर जाएगी, फिर इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगने लगेगा तो बॉल धीरे धीरे नीचे आने लगेगी, तो ये जो पाथ बनता है इसी को हम पैराबोलिक पाथ कहते हैं और इस प्रकार की गति को प्रक्षेप गति कहा जाता है। हम गति को एक समान गति व असमान गति में भी विभाजित करते हैं। तो आइए देखते हैं कि एक समान गति क्या होती है। यदि कोई वस्तु एक समान समय अंतराल में एक समान दूरी तय करे तो ऐसी गति को एक समान गति कहते हैं। मान लीजिए आप 6 बजे घर से चले, 10 मिनट में आपने 100 मीटर की दूरी तय की,
फिर अगले 10 मिनट में आपने 100 मीटर की दूरी फिर तय की, 100 + 100 = 200, अगले 10 मिनट में आपने 100 मीटर की दूरी फिर तय की, यानी कि एक समान समय अंतराल में एक समान दूरी तय हो रही है। तो इस प्रकार की गति एक समान गति कहलाती है। और इस टेबल को अगर आप ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर आपको एक सीधी रेखा दिखेगी। अगर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर एक सीधी रेखा दिखती है तो ये यूनिफॉर्म मोशन या एक समान गति को दर्शाती है। असमान गति, यदि कोई वस्तु एक समान समय अंतराल में एक समान दूरी तय ना करे तो ऐसी गति को असमान गति कहते हैं। मान लीजिए आप 6 बजे घर से चले तो पहले 10 मिनट में आप 50 मीटर चले, फिर अगले 10 मिनट में आपने 30 मीटर की दूरी तय की, फिर अगले 10 मिनट में आप 20 मीटर चले, और अगले 10 मिनट में आप चले नहीं, आप रुक गए, तो एक समान समय अंतराल में असमान दूरी तय हो रही है। और इस टेबल को अगर आप ग्राफ पर दर्शाएंगे तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर आपको एक टेढ़ी रेखा दिखेगी और आगे जाके ये रेखा जो है एक फ्लैट हो रही है। अगर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर एक फ्लैट कर्व दिखता है तो इसका मतलब होता है कि वस्तु वहां पर रुक गई है, स्थिर है या गति नहीं कर रही है। अगर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर एक ऐसा टेढ़ा मेढ़ा सा कर्व दिखता है तो इसका मतलब होता है कि वस्तु असमान समय अंतराल में असमान दूरी तय कर रही है। यानी कि मान लीजिए 5 मिनट वस्तु ने 100 मीटर की दूरी तय की, फिर 3 मिनट में 150 मीटर की दूरी तय की, फिर 8 मिनट में 200 मीटर की दूरी तय की, यानी कि समय भी असमान है और दूरी भी असमान है, तो यही ये ग्राफ दर्शा रहा है। अगर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर एक ऐसा कर्व दिखता है तो इसका मतलब होता है कि वस्तु की गति लगातार बढ़ती जा रही है। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन दर्शा रहा है, लेकिन ये भी दर्शा रहा है कि वस्तु की गति लगातार बढ़ती जा रही है, यानी कि आगे क्या हो रहा है कि वस्तु कम टाइम इंटरवल में ज्यादा दूरी तय कर रही है, यानी कि कम टाइम इंटरवल में दूरी लगातार बढ़ती जा रही है, यानी कि वस्तु की जो गति है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। अगर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर एक ये सीधी हॉरिजॉन्टल रेखा दिखती है तो इसका मतलब है कि वस्तु एक ही जगह पर रुकी हुई है, यानी कि टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन वस्तु एक ही जगह पर स्थिर है। अगर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर ऐसा कर्व दिखता है, यानी कि वस्तु एक समान गति से चली फिर रुक गई, फिर इस बिंदु से वस्तु एक समान गति से फिर चल दी, तो यही ये ग्राफ दर्शा रहा है। अगर आपको डिस्टेंस टाइम ग्राफ पर एक सीधी वर्टिकल लाइन दिखती है तो इस प्रकार का ग्राफ संभव नहीं है, क्योंकि एक ही समय में वस्तु अलग अलग डिस्टेंस पर या दूरी पर नहीं हो सकती है, तो इस प्रकार का ग्राफ संभव ही नहीं है। अब हम दूरी को समझेंगे। दो बिंदुओं के मध्य तय की गई कुल पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। मान लीजिए एक ये प्राथमिक बिंदु है ए और ये अंतिम बिंदु है बी, तो इनके मध्य ये जो रास्ता होगा, ये मार्ग होगा, इस मार्ग की लंबाई को ही दूरी कहा जाता है। यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि वो होती है जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण या मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, दिशा या डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है। इसको एस द्वारा चिन्हित किया जाता है। यह सदैव धनात्मक या पॉजिटिव होती है और दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। विस्थापन, किसी वस्तु द्वारा अपनी प्रारंभिक स्थिति व अंतिम स्थिति के मध्य सबसे कम दूरी वाले पथ की लंबाई को विस्थापन कहा जाता है। स्टूडेंट्स, दो बिंदुओं के मध्य, मान लीजिए एक प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के मध्य बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं, लेकिन हमेशा एक सबसे कम दूरी वाला मार्ग या रास्ता होता है और उसी सबसे कम दूरी वाले मार्ग को हम विस्थापन कहते हैं। मान लीजिए आपकी घर से आईटीआई जाने के 3 रास्ते हैं। मान लीजिए एक पहले ये रास्ता है ए पी बी, जिसकी दूरी मान लीजिए 5 किलोमीटर है। एक अन्य रास्ता है जिस पर एक स्टेशनरी की शॉप पड़ती है, आपके फ्रेंड का एक घर भी पड़ता है, तो कभी कभी आप इस रास्ते से भी जाते हैं कि सोचते हैं कि मैं अपने फ्रेंड को पिक कर लूंगा, तो इसकी लंबाई मान लीजिए 6 किलोमीटर है। एक अन्य टेढ़ा मेढ़ा रास्ता भी है जिससे कभी आप साइकिल से या पैदल जा सकते हैं, तो इसकी लंबाई मान लीजिए 10 किलोमीटर है। तो ये जो रास्ते हैं या मार्ग है, इनकी लंबाई ये जो दर्शा रही, इनको क्या कहते हैं? इनको दूरी कहते हैं। और मान लीजिए अब आपसे कोई बोले कि आप अपने घर पे हेलीकॉप्टर से बैठिए और सीधा 13 डिग्री पश्चिम में चले जाइए उस दिशा में, और आप सीधा आईटीआई पहुंचेंगे और सबसे कम दूरी वाला रास्ता है ये, तो ये रास्ता मान लीजिए दर्शा रहा है ए बी। तो ये जो सबसे कम दूरी वाला रास्ता है, इसकी लंबाई मान लीजिए 2 किलोमीटर है,
तो ये क्या दर्शा रहा है, ये विस्थापन दर्शा रहा है। विस्थापन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमको स्टूडेंट्स अंतरिक्षयानों में, फाइटर जेट प्लेन्स में या एरोप्लेन्स में देखने को मिलता है। और यह एक सदिश राशि है, सदिश राशि मतलब इसको व्यक्त करने के लिए हमको परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता है। इसको एस वेक्टर द्वारा चिन्हित किया जाता है। जितनी भी सदिश राशियां होती हैं स्टूडेंट्स, उनके ऊपर ये एक एरो का साइन या तीर का चिन्ह लगाकर प्रदर्शित किया जाता है और इसको हम प्रोनाउंस करते हैं एस वेक्टर। इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य कुछ भी हो सकता है। हम शून्य कैसे होता है हम समझेंगे अभी। मान लीजिए कि उदाहरण दिया है, आप एक प्रारंभिक बिंदु ए से चलना आपने शुरू किया और आप वृत्ताकार पथ पर गति करते करते ए बिंदु पर वापस आ गए, यानी कि आपका प्रारंभिक बिंदु भी ए है और अंतिम बिंदु भी ए है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि आपने कितनी दूरी तय की, तो आप बताएंगे कि मैं एक वृत्ताकार पथ पर चला हूं, तो इसकी जो परिधि होगी 2πr, उतनी मैंने दूरी तय की है। तो इसकी त्रिज्या मान लीजिए 7 mm दी है, तो आप कैलकुलेट करके बता देंगे कि 44 mm की दूरी मैंने तय की। लेकिन अब आपसे पूछे कोई कि आपने विस्थापन कितना तय किया, तो आप बताएंगे कि मेरा प्रारंभिक बिंदु ए है और अंतिम बिंदु भी ए है, तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच सबसे कम दूरी क्या है, 0, 0 कुछ, क्योंकि प्रारंभिक बिंदु भी वही है और अंतिम बिंदु भी वही है, तो आपका विस्थापन कितना हो जाएगा, 0। अब लेकिन मान लीजिए आपने ए से चलना शुरू किया, प्रारंभिक बिंदु ए, और आप बी तक पहुंचे, यानी कि आपका अंतिम बिंदु बी है। तो अब आपसे कोई पूछे कि आप कितना चले या कितनी दूरी तय की, तो आप बताएंगे कि पहले मैं वृत्ताकार पथ पर चला था, तो मैंने 44 mm तय किया था, अब मैं केवल एक अर्धवृत्त चला हूं, यानी कि 44/2, यानी कि अब मेरी दूरी है 22 mm। लेकिन आपसे कोई पूछे कि आपका विस्थापन कितना है, तो आपका प्रारंभिक बिंदु ए, अंतिम बिंदु बी, तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच सबसे कम दूरी क्या है, इसका जो व्यास होगा, तो मान लीजिए इसकी त्रिज्या 7 mm दी है, तो इसका व्यास कितना हो जाएगा, 7 × 2 = 14 mm, तो अब आपका विस्थापन कितना हो जाएगा, 14 mm। अब हम चाल को समझेंगे। दूरी में परिवर्तन की दर को चाल कहा जाता है। मान लीजिए T1 समय में आप S1 पर हैं, दूरी को S से प्रदर्शित किया जाता है, तो मान लीजिए T1 समय में आप S1 पर हैं और समय बीतने के साथ T2 समय में आप S2 पर पहुंच गए, तो आपकी दूरी में कितना परिवर्तन हुआ, अंतिम दूरी माइनस प्रारंभिक दूरी, यानी कि S2 माइनस S1। और दूरी में परिवर्तन की दर या रेट कैसे निकालेंगे, जो भी टाइम इंटरवल है या जितना भी हमको समय लगा उससे हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा रेट आ जाएगा। तो हमको समय कितना लगा, T2 माइनस T1, तो हम डिवाइड कर देंगे S2 माइनस S1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, तुमको क्या मिल जाएगा, डेल्टा S अपॉन डेल्टा T। ये जो त्रिभुजाकार की आकृति होती है इसको डेल्टा बोला जाता है और ये चेंज या परिवर्तन को दर्शाता है, यानी कि चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। यही स्टूडेंट्स चाल या स्पीड होती है। और चाल एक अदिश राशि है, इसको V द्वारा चिन्हित किया जाता है। चाल बराबर दूरी में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन, और हम सिंपली इसको दूरी बटे समय कह देते हैं। इसका MKS मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। स्टूडेंट्स अब ये एक टेबल दिया है, इसमें ये बताया गया है कि एक बस 80 किलोमीटर की दूरी तय करती है 1 घंटे में, एक बाइक 140 किलोमीटर की दूरी तय करती है 2 घंटे में, और एक कार 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है आधे घंटे में। अब ये टेबल दिखाकर अगर आपसे कोई पूछे कि कौन तेज चल रहा है, तो ये टेबल देखकर आप कैसे बता सकते हैं कि कौन तेज चल रहा है, आपको कोई एक अन्य डाटा चाहिए होगा। ये स्टूडेंट्स ठीक वैसे ही है कि मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि एक प्रकार की 15 चॉकलेट है 75 रुपए की और दूसरे प्रकार की 25 चॉकलेट है 115 रुपए की, तो कौन सी सस्ती है और कौन सी महंगी है, तो ऐसे आप कैसे बता सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप रेट निकालेंगे, यानी कि रेट पर चॉकलेट या प्राइस पर चॉकलेट, तब आप आसानी से बता देंगे कौन सी महंगी है कौन सी सस्ती है। तो ठीक वैसे ही हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम स्पीड निकालते हैं, यानी कि पर आवर किसने ज्यादा दूरी तय की, तो जिसने ज्यादा दूरी तय की होगी उसी की स्पीड ज्यादा होगी। तो हम जब बस की स्पीड निकालते हैं तो हमको 80 किलोमीटर पर आवर, बाइक की स्पीड हमने निकाली तो वो आई 70 किलोमीटर पर आवर, और कार की स्पीड निकाली वो आई 100 किलोमीटर पर आवर। तो अब हम देख कर बता सकते हैं कि स्पीड ऑफ कार इज ग्रेटर देन बस एंड बाइक। तो स्पीड से हम ये बता सकते हैं कि कौन सी वस्तु तेज चल रही है कौन सी धीरे चल रही है, और एक दूसरे की स्पीड की हम तुलना भी कर सकते हैं। वेग, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। मान लीजिए T1 समय में
आपका विस्थापन है एस वन वैक्टर और समय बीतने के साथ टी टू समय में आपका विस्थापन हो गया एस टू वैक्टर। तो विस्थापन में कितना परिवर्तन हुआ, अंतिम विस्थापन माइनस प्रारंभिक विस्थापन यानी कि एस टू वैक्टर माइनस एस वन वैक्टर। और विस्थापन में परिवर्तन की दर क्या है, टाइम इंटरवल से हम डिवाइड कर देंगे यानी कि डिवाइडेड बाई टी टू माइनस टी वन। तुमको क्या मिल गया, डेल्टा एस वेक्टर अपॉन डेल्टा टी यानी कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। यही स्टूडेंट्स वेग या वेलोसिटी होता है और यह एक सदिश राशि है, इसको वी वेक्टर द्वारा चिन्हित किया जाता है। वेग बराबर विस्थापन में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन, या इसको हम सिंपली विस्थापन बटे समय बोल देते हैं, और इसका एमकेएस मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। त्वरण, किसी कण या वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। स्टूडेंट्स स्पीड है दूरी में परिवर्तन की दर, वेग है आपका विस्थापन में परिवर्तन की दर, और त्वरण है आपका वेग में परिवर्तन की दर। तो ये आप सीक्वेंस को समझिएगा। त्वरण एक सदिश राशि है, इसको ए वेक्टर द्वारा चिन्हित किया जाता है। त्वरण का एमकेएस पद्धति में मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन, या सिंपली इसको हम वेग बटे समय बोल देते हैं। मान लीजिए t1 समय में आपका वेग है v1 वेक्टर, और समय बीतने के साथ t2 समय में आपका वेग हो गया v2 वेक्टर। तो वेग में आपका कितना परिवर्तन हुआ, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग यानी कि v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर। और वेग में परिवर्तन की दर क्या है, टाइम इंटरवल से हम डिवाइड कर देंगे यानी कि t2 माइनस t1। तो हमको क्या मिल गया, डेल्टा v वेक्टर अपॉन डेल्टा t यानी कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। यही स्टूडेंट्स त्वरण होता है। एक एग्जांपल भी दिया है, मान लीजिए ए बिंदु पर आपका प्रारंभिक वेग है 5 मीटर पर सेकंड, और 5 सेकंड बाद आपका वेग हो गया 15 मीटर पर सेकंड। तो आपसे अगर कोई त्वरण पूछता तो आप कैसे निकालेंगे, यानी कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और वेग परिवर्तन में लगा समय यानी कि 15 माइनस 5 अपॉन 5। तो त्वरण कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मंदन, ऋणात्मक त्वरण को ही मंदन कहा जाता है, और इसको माइनस ए वेक्टर द्वारा डिनोट किया जाता है। मान लीजिए आप एक हाईवे पर जा रहे हैं कार से, और आप कार का एक्सेलरेटर लगातार दबाए हुए हैं पैर से, तो आपका वेग लगातार बढ़ता जाएगा। तो लगातार वेग का बढ़ना ही त्वरण कहलाता है। अब मान लीजिए आपको अपनी कार रोकनी है, तो आप क्या करेंगे, एक्सेलरेटर से पैर हटाएंगे, तो आपका वेग लगातार कम होता जाएगा। तो लगातार वेग का कम होना ही मंदन कहलाता है। एक उदाहरण भी दिया है कि मान लीजिए आप एक कार से जा रहे हैं और आपका जो वेग है वो 36 किलोमीटर पर आवर है या 10 मीटर पर सेकेंड है, और अचानक आपके सामने कोई व्यक्ति आ जाता है, तो आप क्या करेंगे, आप ब्रेक लगाएंगे। तो ब्रेक लगाने से क्या होता है कि 2 सेकेंड में आपकी कार रुक जाती है, और कार रुकने से आपका अंतिम वेग शून्य हो जाता है। तो ये एग्जाम्पल दिखाकर अगर आपसे कोई पूछे कि मंदन कितना है, तो आप कैसे निकालेंगे, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और वेग परिवर्तन में लगा समय यानी कि 0 - 10/2। तो मंदन कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ को एनालाइज करेंगे। अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर एक ऐसा कर्व दिखता है, तो ये स्टूडेंट्स असमान त्वरण या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को दर्शा रहा है, यानी कि असमान समय अंतराल में असमान वेग बढ़ता जा रहा है। मान लीजिए 5 सेकंड में आपका वेग बढ़ गया 10 मीटर पर सेकंड, फिर 8 सेकंड में आपका वेग बढ़ गया 15 मीटर पर सेकंड, फिर आपका 10 सेकंड में वेग बढ़ गया 15 मीटर पर सेकंड, यानी कि असमान समय अंतराल में असमान वेग बढ़ता जा रहा है। स्टूडेंट्स आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर एक सीधी वर्टिकल लाइन अगर दिखती है, तो ये ग्राफ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ही समय में वस्तु का वेग अलग अलग नहीं हो सकता है। अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर एक ऐसा कर्व दिखता है AO, तो ये आपको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या एक समान त्वरण दर्शा रहा है, यानी कि एक समान समय अंतराल में एक समान वेग बढ़ रहा है। अगर आपको ऐसी एक कर्व लाइन दिखती है AB, तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी या एक समान वेग को दर्शा रही है। ये स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये AB रेखा ये नहीं दर्शा रही है कि आपकी वस्तु रुकी हुई है, ये दर्शा रही है कि जो भी समय है आपकी वस्तु का वेग एक है या एक समान वेग से वस्तु लगातार गतिमान है। अगर आपको एक ऐसी रेखा दिखती है BC, तो ये यूनिफॉर्म रिटार्डेशन या एक समान मंदन को दर्शाती है, यानी कि एक समान समय अंतराल में एक समान वेग लगातार कम हो रहा है।
अब स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं कि अगर वेग समय ग्राफ में यानी कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो भी आकृति बनती है उसका क्षेत्रफल वस्तु द्वारा तय किए गए दूरी, अगर दिशा नहीं होगी तो दूरी, या विस्थापन दिशा हो गए तो विस्थापन के बराबर होता है। मान लीजिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर आपको एक सीधी रेखा दिखती है ओ ए, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को दर्शा रही है। तो इसका जो एरिया होगा यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, इसका क्षेत्रफल वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के बराबर होगा। यहाँ पर वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। मान लीजिए ये ग्राफ ये भी दर्शा रहा है कि वस्तु ने 5 घंटे में वस्तु का जो वेग है वो 60 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो अगर हम इसका एरिया कैलकुलेट करेंगे यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस है 5 आवर और हाइट ए बी है 60 किलोमीटर पर आवर, तो आप कैलकुलेट करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 150 किलोमीटर। तो यहाँ पर वेलोसिटी है तो ये दर्शा रही है कि जो ये एरिया बन रहा है इसमें जो वस्तु ने 5 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी या विस्थापन तय किया। गति के समीकरण, गति के 3 समीकरण है। पहला v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तीसरा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहां पर u बराबर प्रारंभिक वेग, v बराबर अंतिम वेग, a बराबर त्वरण, s बराबर दूरी और t बराबर समय। अब हम बल को समझेंगे। स्टूडेंट्स मान लीजिए कोई एक वस्तु है वो स्थिर अवस्था में है, तो उसको गतिशील करने के लिए आप क्या करोगे, या तो उसको आप अपनी तरफ खींचोगे या धक्का दोगे। तो वस्तुओं को खींचकर धकेलकर या ठोकर लगाकर उनकी गति की अवस्था को बदला जा सकता है। यह खींचना या धकेलना ही बल कहलाता है। आसान शब्दों में बल का मतलब धक्का मारना या अपनी तरफ खींचना। इंग्लिश में हम बोल देते हैं कि फोर्स इज सिंपली पुश और पुल, और ऐसे परिभाषित इसको किया जाता है कि बल वह कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन करता है। यह एक सदिश राशि है यानी कि जिस दिशा में आप बल लगाओगे उसी दिशा में वस्तु गतिशील होगी। इसको एस द्वारा चिन्हित किया जाता है। एमकेएस पद्धति में मात्र केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन है, 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बराबर 1 न्यूटन। सीजीएस पद्धति में मात्र डाइन है और 1 न्यूटन बराबर 10^5 डाइन। न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन के 3 गति के नियम है। तो प्रथम नियम देखते हैं कि क्या कहता है। स्टूडेंट्स प्रथम नियम यह कहता है कि हर वस्तु अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, यानी कि अगर स्थिर है तो स्थिर रहना चाहेगी जब तक कोई बाहरी बल उसको गतिशील ना कर दे, और अगर गतिशील है तो गतिशील रहना चाहेगी जब तक कोई बाहरी बल उसको स्थिर ना कर दे। ऐसा स्टूडेंट्स वस्तु के जड़त्व के कारण होता है, और वस्तु के जड़त्व का मान वस्तु के द्रव्यमान के बराबर होता है, और इसलिए गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। एक एग्जांपल देखते हैं कि जब कोई रुकी हुई गाड़ी अचानक चल पड़ती है तब उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, आपने कई बार महसूस किया होगा। तथा इसके ठीक विपरीत जब कोई चलती हुई गाड़ी अचानक रुक जाती है तब उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। इसलिए आपको हमेशा सलाह दी जाती है कि जब भी आप कार चलाएं तो सीट बेल्ट हमेशा पहने, ताकि अगर आपकी गाड़ी अचानक रुक जाए तो आप अचानक आगे की ओर ना चले जाएं। द्वितीय नियम, किसी भी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती होती है, तथा संवेग परिवर्तन की दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। इस परिभाषा को समझने के लिए पहले हमको संवेग को समझना होगा, और न्यूटन के द्वितीय नियम को संवेग का नियम भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कि संवेग क्या होता है। किसी वस्तु का संवेग p उसके द्रव्यमान m और v के गुणनफल के बराबर होता है। संवेग को हम स्मॉल p से डिनोट करते हैं, और ये बराबर होता है किसी वस्तु के द्रव्यमान m और वेग v के गुणनफल के, यानी कि p बराबर mv। यह एक सदिश राशि है, इसकी दिशा वही होगी जो वेग v की दिशा होगी, यानी कि जिस दिशा में आप वस्तु पर बल लगाओगे उसी दिशा में वस्तु वेग v से गतिशील होती है, और जो वेग v की दिशा होगी वही संवेग की दिशा होगी। संवेग का एसआई मात्रक केजी मीटर पर सेकंड होता है। गति के द्वितीय नियम से हमें बल का सूत्र भी प्राप्त होता है, आइए जानते हैं कैसे। मान लीजिए स्टूडेंट्स कोई वस्तु इस बिंदु पर है जिसका द्रव्यमान m है, और इस बिंदु पर उसका प्रारंभिक वेग u है।
अब मान लीजिए कोई एक बल लगा F, इस बल को हम असंतुलित बल कहते हैं। और असंतुलित बल इसलिए कहते हैं कि मान लीजिए एक ये 5 न्यूटन का बल आपने इधर से लगाया और 5 न्यूटन का बल आपने मान लीजिए इसके विपरीत दिशा में भी लगा दिया, तो क्या होगा, 5 न्यूटन का बल इधर से, 5 न्यूटन का बल इधर से, तो बल तो संतुलित हो गया। बल संतुलित हो गया तो वस्तु तो गति करेगी नहीं, यानी कि संतुलित बल तो कभी गति करा ही नहीं सकता, यानी कि हमेशा असंतुलित बल ही गति कराता है। तो मान लीजिए इस असंतुलित बल के कारण आपकी वस्तु समय के साथ इस बिंदु पर आ गई, इस बिंदु पर उसका वेग v हो गया, तो इस बिंदु पर संवेग क्या होगा, p1 बराबर द्रव्यमान m है और प्रारंभिक वेग u है, तो p1 बराबर mu, और इस बिंदु पर संवेग क्या हो जाएगा, वेग v है, द्रव्यमान वही है, यानी कि p2 बराबर mv, तो संवेग में कितना परिवर्तन हुआ, p2 माइनस p1, और संवेग परिवर्तन की दर क्या है, हम टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देंगे, यानी कि p2 माइनस p1 अपॉन t। अब स्टूडेंट्स न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार ये जो संवेग परिवर्तन की दर है ये समानुपाती है लगने वाले इस असंतुलित बल के, और संवेग परिवर्तन की दर की जो दिशा होगी वो वही होगी जो इस असंतुलित बल की दिशा होगी, यानी कि संवेग परिवर्तन की दर है समानुपाती है इस लगने वाले असंतुलित बल के, तो हमको क्या मिल जाता है, एस प्रोपोर्शनल टू पी टू माइनस पी वन अपॉन टी। अब हम कैलकुलेट करेंगे तो पी टू हमारा है एमवी, पी वन है एमयू, एम हम कॉन्स्टेंट ले लेते हैं, तो हमको क्या मिलता है, वी माइनस यू अपॉन टी। ये क्या है, वेग में परिवर्तन की दर हमने पढ़ा था, और ये किसके बराबर होती है, एक्सेलरेशन के, तो हमको क्या मिल गया, एफ प्रोपोर्शनल टू एम ए। अब हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो एक कॉन्स्टेंट या स्थिरांक ले आते हैं के, हमको मिल जाता है फाइनली एफ इज इक्वल टू के एम ए। अब हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बल के मात्रक इस प्रकार चुने कि एकांक बल एकांक द्रव्यमान की वस्तु में एकांक त्वरण उत्पन्न कर सके, यानी कि अगर एक न्यूटन का बल लग रहा है एक किलोग्राम की वस्तु पर तो वो उसमें एक मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करेगा, तो इस प्रकार के क्या हो जाता है, वन, तो हमको अंततः क्या मिल जाता है, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो यहां से हमारी बल की एक और परिभाषा निकल कर आती है कि बल द्रव्यमान एम और उसमें उत्पन्न होने वाले त्वरण ए के गुणनफल के बराबर है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है, ऐसा स्टूडेंट्स क्यों होता है, मान लीजिए हमने ये पढ़ा था अभी कि एफ प्रोपोर्शनल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी, यानी कि समय जितना ज्यादा होगा बल उतना ही कम हो जाएगा, तो क्रिकेट का खिलाड़ी यहाँ पर क्या करता है, वो हाथ अपने पीछे करके समय को बढ़ाता है, तो क्या होता है कि जब बॉल उसके हाथ में बल लगाएगी वो कम हो जाएगा, तो बल कम लगाएगी यानी कि उसके हाथ पर चोट कम लगेगी। तृतीय नियम हमको स्टूडेंट्स क्या कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, यानी कि प्रत्येक क्रिया की बराबर तथा उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसलिए इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहा जाता है। आपने कई बार महसूस किया होगा कि जितनी जोर से हम जमीन पर अपना पैर पटकते हैं उतनी ही अधिक हमें चोट लगती है, अर्थात जितनी जोर से हम जमीन को नीचे की ओर दबाते हैं उतनी ही जोर से पृथ्वी हमें ऊपर की ओर ठेलती है, जितनी जोर से हम गेंद को पटकते हैं तो पृथ्वी क्या करती है उतना ही बल उसके विपरीत दिशा में लगा देती है और बॉल उतनी ही उछल जाती है। इसके अन्य उदाहरण भी देखते हैं कि बंदूक से जब गोली निकलती है तब चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है या रिएक्शन लगता है, पानी में खड़ी नाव पर से जब जमीन पर कूदा जाता है तो नाव पीछे की ओर हट जाती है, तो ये सब न्यूटन के तृतीय नियम के उदाहरण हैं। स्टूडेंट्स आज हमने गति के बारे में जाना, गति के प्रकार के बारे में जाना, चाल और वेग के बारे में जाना, त्वरण और मंदन को पढ़ा, गति के समीकरण जाने, बल और न्यूटन के गति के नियम जाने। ये सारा का सारा मटेरियल मैंने विकिपीडिया एवं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की पुस्तक बाय अरिहंत पब्लिकेशन, जिसके लेखक ए कुमार हैं, से लिया है। आप विकिपीडिया पर और इस पुस्तक पर इस सारे मटेरियल को पढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने गति और बल पर मैंने आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है, आशा करता हूं कि ये प्रशिक्षण आपको भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।